नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सांबा से सुरेश शर्मा। आज जो समाचार आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसानों से जुड़ा हुआ है कि आए दिन किसानों की फसलें जो हैं वो आपकी भेंट चढ़ रही हैं। आज बुधवार को उप जिला कगवाल के गांव राजपुरा व मलानी में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूँ की फसल को आग लग गई और देखते ही देखते दर्जनों किसानों की 80 कनाल गेहूँ की फसल जो है वो जलकर राख हो गई। हालांकि वहां स्थानीय किसानों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है वो सांबा से काफी देरी के बाद पहुंची और तब तक किसानों की मेहनत जो थी वो आपकी भेंट चढ़ चुकी थी। डीडीसी के जो चेयरमैन है राधेश्याम जी और डीडीसी की सदस्य हैं जो वहां पर आशा रानी जी, उन्होंने भी जिला प्रशासन का ध्यान जो है इस ओर दिलाया है कि विभाग जो है और प्रशासन जो है जब तक गेहूं की कटाई का कार्य पूरा नहीं हो जाता रायपुरा में एक अतिरिक्त जो है दमकल का वाहन खड़ा करे ताकि अगर कभी भी आग लगने की कोई घटना घटे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर हो तो आग पर जो है वो समय पर काबू पाया जा सके। मैं डीडीसी मैडम आशा रानी रायपुरा से। तो मेरे रायपुरा में तीसरी बार ये आग लगी है, तो मैंने पहले भी SDM साहब से भी और DC मैडम से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें 1-2 महीने के लिए ये गाड़ी हमें चाहिए, फायर ब्रिगेड हमें चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई हमारी मांग पूरी नहीं की है। क्योंकि बार बार हम लोगों के लिए ऐसे बोलते हैं गर्मियों में ऐसे जब फसल पूरी पक चुकी है तभी आग लगती है, तो और जहाँ बिजली विभाग का बहुत बड़ा ऐसा रोल है कि सारी जगह तारें जो टूटी हुई हैं और कोई भी हमारी सुनता ही नहीं कोई भी। ये DC मैडम से मैं बार बार कहती हूँ कि क्यों नहीं हमारी ये आवाज़ सुनी जा रही, जगह जगह जो तारें टूटी हुई हैं जो पोल टूटे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर किए जाए। मैं DC मैडम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मांग को हमारी को पूरी किया जाए और जो भी अगर 20 दिन बचे हैं कटाई के लिए उनके लिए हमें गाड़ी यहाँ रायपुरा में चाहिए। तो और दो गाँव की ये फसल अब जो नष्ट हो चुकी है, जल चुकी है, लोगों का देखो बड़ा रोष है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें मैडम जी हमारी मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को? तो मैं DC मैडम से बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें एक गाड़ी प्रोवाइड कराई जाए हमारी रायपुरा में, जो जब ये फसल जितने दो महीने के लिए हमें हर बार जहाँ एक गाड़ी हमें खड़ी रहनी चाहिए, जब तक गाड़ी पहुँचती है तब तक तो कितना नुकसान हो जाता है। DC चेयरमैन राधेश्याम ब्लॉक रायपुरा, आज रायपुरा और मलानी गांव में जो आग लगी है इसकी वजह से करीब करीब 80 कनाल पैली जड़ी है वो सड़ी है, कणक राख हुई है। ये जब मैं लोगों का बड़ा धन्यवाद करना, जड़े लोग 4 ग्रां के लोग कट्ठे हुई है इस अग का परौने बोर चलाई है पानी का कुछ करिए इस अग की बुझाया, जड़ी फायर ब्रिगेड की गड्डी है ये उसलै पुजी जिले अग खत्म हुई थी। मेरी प्रशासन के अगे ये मांग है कि मेरे ब्लाक के बिच एक जा दो महीना जिया हूँ गर्मी है ये फायर ब्रिगेड की गड्डी रायपुरा रहनी चाहिए, नहीं तो मैं अगे DC की अस अगे भी जाने तैयार हाँ। मेरी इे मांग है पुलिस भी साढ़े कन्ने ही और मीडिया के कर्मी भरा साढ़े जड़े वह भी आए थे और लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद करा जिन्हें लोगों इस अग की रोकी है ते और जड़िया तारा ने बिजली का अगे जड़े बिजली का अधिकारी मैं उनके अगे अपील करना कि जड़िया तारा ने लोगों बोर ने वो तारा जड़िया बिल्कुल जमीन कने लगी दी वो तारे कने टच हुई है उनके कने भी अग लगती है। मेरी इे मांग है कि लैंडमैन या जड़ा प्रशासन है इस बिजली दारे खंभे परा इन्हें थोड़ा टाइट कर और लोगों का बचाव कर। मेरा नाम सुशांत है, हमें रायपुरा की निवासी है। कैसे लगी आग? प्रशासन की भी कुछ नाकामयाबी है और साथ में जो कुछ शरारती तत्वों का ये हमारे यहाँ पे हाथ है इसके बीच में, जो कि ऐसा हुआ है कि हम बहुत ही मेहनत से मजदूरी से ये करके बहुत ही फसल अपनी को पालते हैं और बाद में ऐसा नुकसान हो जाता है, इसलिए हम बहुत इस घटना से हम बहुत दुखी हैं। हम आगे पहले ही कोरोना की मार से सारे कारोबार जैसे आप जानते हैं कि सारे ठप हैं, पर और एक खेती एक ऐसा हमारा सहारा था जो हमें
अन्न खाना पेट भरता था, परंतु अब ये भी इस आग की वजह से हमारी सारी फसल जल के नाश हो गई है। कैसे लगी आग? जो आग ये कुछ शरारती तत्वों की वजह से लगी है। उनके नाम आपको मालूम? हम तो नहीं जानते, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। डीडीसी के चेयरमैन और डीडीसी के सदस्य ने बताया कि पिछले 15 दिनों में रायपुरा क्षेत्र में 3 बार आग लगने की घटनाएं घटी हैं और सैकड़ों कनाल गेहूं की फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि पिछले दिन जहां रामगढ़ तहसील है, जो हमारी रामगढ़ तहसील के गांव जेरड़ा, कोटली, बटकालियां और खोड़ सलारियां के किसानों की 8 किसानों की 130 कनाल फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ गई थी। वहां के किसानों का भी ये आरोप था कि आग लगने के 1 घंटा देरी के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो जहां पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया। किसानों ने, रामगढ़ क्षेत्र के किसानों और रायपुरा तहसील के क्षेत्र के किसानों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया है कि गेहूं की कटाई का कार्य मुकम्मल होने तक अतिरिक्त जो है वाहन, दमकल का वाहन जो है वो रायपुरा में और रामगढ़ में जो है तैनात किया जाए, ताकि जब भी कोई आग लगने की घटना घटे तो आग पर समय पर काबू पाया जा सके। किसानों का कहना है कि 6 महीनों की मेहनत उनकी देखते ही देखते उनके आंखों के सामने जो है वो आग की भेंट चढ़ रही है और वो कुछ नहीं, कभी अपने आप को कोसते हैं और कभी प्रशासन को कोसते हैं, इसके सिवा वो क्या कर सकते हैं। और आग लगने का जो मुख्य कारण है किसानों के अनुसार वो खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की ढीली तारे हैं। जब हवा चलती है और ढीली तारे आपस में टकराती हैं और फॉल्ट के बाद चिंगारी खेतों में गिरती है और जो आग का रूप धारण कर लेती है और देखते ही देखते यह किसानों की मेहनत जो है उसे निकल जाती है। सांबा से मैं सुरेश शर्मा, मुझे और मेरे सहयोगियों राजू और मुकेश को दीजिए इजाजत और देख रहे थे दैनिक स्टेट समाचार।